How to change the quality of video you are watching. To give you the best view experience, YouTube adjusts the quality of the video stream based on your viewing condition. You can also manually adjust the video quality of any video you are watching on the computer, TV or mobile device. आप किस कंडीशन में वीडियो को देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप उसकी क्वालिटी को कितना अच्छा और अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर. On most devices, you can change the quality directly from the video player. अब आपका जहाँ पे वीडियो प्ले होता है वहाँ पे एक सेटिंग का आइकॉन आता है, उस पर जाकर आप क्लिक करिएगा और क्वालिटी करिएगा तो प्रेफर्ड क्वालिटी आएगी. आप इसमें से बेस्ट क्वालिटी सेलेक्ट करके अपनी वीडियो को अच्छा कर सकते हैं. तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले आपको फेवरेट ब्राउज़र पे जाइए, youtube.com खोलिए और फिर जाके अपने चैनल पे जाइए और उस वीडियो को क्लिक करिए जिसको आपको रन करना है, या आप किसी और का वीडियो भी रन कर सकते हैं. और फिर वीडियो प्लेयर में जाइए, वीडियो प्लेयर में सेटिंग में जाइए, सेटिंग में वीडियो क्वालिटी में जाइए, फिर वीडियो क्वालिटी से सेट करिए. अगर आपका कनेक्शन स्लो है तो 250p से 360p आएगा, और अगर कनेक्शन अच्छा है तो हाई डेफिनेशन का 720p से 180p आप सेट कर सकते हैं और वीडियो की क्वालिटी चेंज हो जाएगी. अब हम इसको चलते हैं प्रैक्टिकली दिखाने कि ये कैसे होता है. इसके लिए हमने YouTube खोल रखा है, इसमें कोई भी वीडियो हम प्ले कर देते हैं. अब वीडियो का हम साउंड पॉज कर देते हैं क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा. ये हमारा वीडियो आ गया. अब ये वीडियो हम इसकी सेटिंग देखने के लिए भी चेंज कर सकते हैं और साउंड के लिए भी चेंज कर सकते हैं. अगर इसको दबाइएगा तो फुल स्क्रीन आ जाएगा, इसको बंद करिएगा तो आपका डिफ़ॉल्ट मोड आ जाएगा, और अगर आप इसको थिएटर मोड में देखना चाहते हैं तो ये थिएटर मोड में आ जाएगा, और अगर आप मिनी प्लेयर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये मिनी प्लेयर फॉर्म में आ जाएगा. तो इस तरह से तीन ढंग से हम वीडियो को देख सकते हैं. अभी हम क्या करेंगे, अब हमको साउंड और वीडियो की क्वालिटी सेट करनी है. तो इसके लिए हम यहाँ पर इसमें जाएंगे सेटिंग पे. सेटिंग पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिए वीडियो क्वालिटी मिलेगा, प्लेबैक स्पीड मिलेगी और एनोटेशन मिलेगा. तो हम प्लेबैक स्पीड भी चेंज कर सकते हैं. यहाँ से देखिए अगर ये धीमा कर दीजिएगा तो ये जो बोलेगा वो तो ये बहुत धीमा बोलने लगेगा, और नॉर्मल करिएगा तो जिस वॉइस में आपने बोला है वो आएगा. अगर इसको तेज कर दीजिए वीडियो फॉर्मेट में वो सपोर्ट कर रहा है उस फॉर्मेट में, ये डॉट की तरह आपका तो वो सही और तेजी तेजी बोलने लगेगा. तो इस तरह से हम बोलने की स्पीड को कम और धीमा कर सकते हैं. अब यहीं से क्वालिटी में चलते हैं. क्वालिटी में देखिए 720 आ रहा है. इसमें अगर आप लो क्वालिटी कर देते हैं तो आपका क्या इफेक्ट आता है, देखिए आपके वर्ड्स डिम दिखने लगे. अब इसी की क्वालिटी को ठीक करने के लिए जब आप 240 करते हैं तो कुछ बेटर होगी. अब इससे बेटर करने के लिए हम और आगे बढ़ते हैं, 360 करते हैं और अच्छी हो जाएगी. क्यों अच्छी होती जा रही है, क्योंकि मिलियन ऑफ बिट पर सेकेंड जो है आपका बढ़ता जा रहा है, मतलब पिक्सल की क्वांटिटी बढ़ती जाने से रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा और आपकी क्वालिटी जो होगी वीडियो की वो अच्छी होती जाएगी. तो इस तरह से आप अपने वीडियो की क्वालिटी को अच्छा कर पाइएगा. इसी तरह से आप साउंड को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं. यहाँ पर पॉज और ये आप करते ही हैं रोज, तो आपको पता होगा. तो वीडियो क्वालिटी बदलने के लिए जस्ट आपको सेटिंग में जाकर यहाँ पर वीडियो क्वालिटी बदल सकते हैं. HD के दो फॉर्मेट है, 720p और 1080p. यहाँ पे 1080p नहीं दे रहा है तो हम 720 ही मैक्सिमम सेट कर पाएंगे. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको. आज के लिए इतना ही. दिस इज ऑल टुडे. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. इफ यू वांट मोर दिस टाइप ऑफ वीडियो देन प्लीज फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड
there you will get support and join my community and answer on my polls. So thank you viewer, this is all today. Please must watch the video to give me a watch time. Thank you and share to your